हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसजेवीएन कंपनी के बारे में। कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं कैसा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। हम यहां पे देखेंगे कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा, ये जो भी फिगर्स है वो रुपीज़ एंड लैक में, तो मैं आपको डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी की टोटल इनकम, की कंपनी का टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितना जनरेट हुआ है। आंकड़े मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। ये है कंपनी के Q1 का डेटा, ये है कंपनी के Q4 मतलब लास्ट क्वार्टर का, एंड ये है कंपनी के Q1 लास्ट ईयर का। यहाँ पे कंपैरिजन अपना ईयर ऑन ईयर होगा, यहाँ पे कंपैरिजन अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर होने वाला है। तो सबसे पहले अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू था वो दोस्तों यहाँ पर था 744 करोड़ का, 744 करोड़ का लास्ट ईयर का रेवेन्यू। वो इस बार बढ़ के हो चुका है 958 करोड़, 958 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। तो ईयरली वाइज अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें ऑलमोस्ट 214 करोड़ का जंप जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। परसेंटेज वाइज अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 25 to 28% कंपनी का रेवेन्यू ईयरली वाइज जंप किया है। कंपनी का रेवेन्यू रुपीज़ के मामले में 214 करोड़ का जंप आया है, और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं परसेंटेज के हिसाब से तो 25 से लेकर 28% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है। वहीं अगर मैं बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहां पे देखने को मिला 573 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, वो बढ़ के अभी के टाइम हो चुका है 958 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। तकरीबन यहाँ पे 380 करोड़ का कंपनी के रेवेन्यू में जंप आया है। परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं 70% के आसपास हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा रहा है एंड ईयर ऑन ईयर भी अच्छा रहा है। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि जहाँ पे सभी PSU के रिजल्ट्स किसी के मिले जुले आ रहे हैं तो किसी के वीक आ रहे हैं, वहीं इस कंपनी के रिजल्ट्स ऐसे आना जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों जैसा मैं आपको कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ कि एसजेवीएन को कंटिन्यू प्लांट मिल रहे तो भले ही अभी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो बट फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है। अब देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस की खर्चा यहाँ पर कंपनी का कितना हुआ है। लास्ट ईयर कंपनी का खर्चा था 362 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर था 606 करोड़ का, और इस बार हुआ है 476 करोड़ का। तो खर्चों की बात की जाए तो खर्चे थोड़े बहुत कम हुए हैं, एक्सपेंस कम हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वही अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंपनी का चेक करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट फॉर द पीरियड में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था 271 करोड़ का लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था, वो इंक्रीज होके हो चुका है 357 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर कितना इंक्रीज हुआ है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आया है। 86 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है करोड़ के मामले में। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज के हिसाब से तो परसेंटेज के हिसाब से ऑलमोस्ट यहाँ पे 35% कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट 35% ग्रो होते हुए देखने को मिला। क्वार्टरली वाइज बात करूँ 61 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, 61 करोड़ से बढ़ के 350 करोड़ का हो चुका है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी परफॉर्मेंस बेटर है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें यहाँ पर जो है कि 600% तक की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। एसजेवीएन के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। कंपनी के EPS की बात करूँ, अर्निंग पर शेयर की, तो हमें यहाँ पे लास्ट टाइम देखने को मिला था जो कंपनी का EPS था वो यहाँ पे दोस्तों था 69 पैसे का, एंड वो इस बार इंक्रीज होकर हो चुका है 91 पैसे, 16 पैसे का EPS 91 पैसे हो चुका है। रिजल्ट्स एसजेवीएन के बहुत ही अच्छे आए हैं। कंपनी अब यहाँ पे फंड रेजिंग भी करेगी, कंपनी ने फंड रेजिंग का प्लान किया है। कंपनी की एक और मीटिंग होगी 16 तारीख को फंड रेजिंग की सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। तो एसजेवीएन के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उस बेसिस पे स्टॉक कल रिएक्ट भी कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे सभी PSU के रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं वहाँ पे एसजेवीएन के अच्छे आए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एसजेवीएन कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से बेटर है। शॉर्ट टर्म में देखिए वोलेटिलिटी हमेशा बनी रहती है, कभी मार्केट के हिसाब से चलता है, बट मेरा ये मानना है कि लंबी अवधि के लिए एसजेवीएन बेटर है, क्योंकि ये कंपनी रिनेबल में बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो थैंक यू दोस्तों, रिजल्ट्स हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। थैंक यू।